प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सुबह बाहर बारिश हो रही थी, इस रीज़न से निकला भी नहीं। अच्छा हुआ कि बारिश हुई, जिससे कि मैं अपने कपड़े और सारा कुछ धो लिया, तो एक बार फिर से एकदम फ्री हो गया। अभी ये नहीं कि डेली कपड़े धोना है या बैठ ना। अभी मैं आ चुका हूँ एक गुरुद्वारे के पास, और क्या ही बताऊँ यार, आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, इस रीज़न से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ। और ये मतलब आज से फिर से एकदम पूरे कपड़े को और पूरे बैग को, अपनी साइकिल को, मतलब धनों को एकदम कंप्लीट हालत में धुल कर और रख देना है ताकि सूख जाए, और कल अपनी राइड को फिर से स्टार्ट करेंगे। और मौसम के बारे में क्या ही बताऊँ यार, आज का मौसम कितना प्यारा और कितना सुनहरा, एकदम बढ़िया सा है और हैप्पी मूड में अपने धन। हे यार गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो फिलहाल गाइस, मैं ना अभी रुका था जो कि श्री गंगानगर में, तो मॉर्निंग हो चुकी है और इधर धनो भी एकदम रेडी है। बट क्या है ना, मौसम थोड़ा सा अजीब है। वो मौसम क्या है भाई, बारिश होने की फुल संभावना है और मौसम एकदम पूरा काला दिख रहा है, मतलब पूरे बादल छाए हुए हैं। और मुझे चलना है अमृतसर की ओर, तो अमृतसर की दूरी यहाँ से 361 किलोमीटर के आसपास है। मुझे थोड़ा सा फीवर आने के कारण थोड़ी सी दूरी कम तय कर रहा हूँ अभी, उसका रीज़न है भाई, ज़्यादा अगर साइकिल चलाऊँगा ना तो ज़्यादा फीवर आ जाएगा, तो इस कारण से थोड़ा कम साइकिल चला रहा हूँ। तो देखते हैं कितने दिन में मैं अमृतसर पहुँचता हूँ। तो अमृतसर पहुँचेंगे और उसके बाद उधर जम्मू कश्मीर की तरफ चलना है। तो अभी धन्नो रेडी है और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, अभी मेडिसिन ले के, मतलब दवा खा के मैं अभी चलने के लिए तैयार हूँ। और कुछ वीडियो में कल की प्रॉब्लम हो गई थी, वो क्या ही बताऊँ बट ठीक है। तो ठीक है गाइस, ब्लॉग में बने रहें, भाई को सपोर्ट करें, भाई चल रहा है आगे। ओके, तो ये यार गाइस अभी जस्ट चल रहा है भाई, और मौसम के बारे में क्या ही बताऊँ यार, आज का मौसम कितना प्यारा और कितना सुनहरा, एकदम बढ़िया सा है और हैप्पी मूड में अपने धन्नो के साथ चल रहा हूँ भाई। और क्या ही बताऊँ, क्या मतलब एकदम बढ़िया है। हालांकि बारिश होने की फुल संभावना है यार, बट क्या करें, कोई बात नहीं, चलते हैं है ना। और मतलब लग रहा है कि मैं चल रहा हूँ यार जम्मू कश्मीर की तरफ जम्मू कश्मीर वाला माहौल एकदम बढ़िया सा दिख रहा है। और भाई आज ना मतलब फीवर बढ़िया है, तो एकदम हैप्पी मूड में चल रहा है, बट फीवर होता है ना तो फिर एकदम हालत ख़राब तो ठीक है गाइस, अभी बारिश होने लगी यार, कैमरे को रखना होगा अंदर, और तो बने रहे ब्लॉग में, चलते हैं आगे। ओके यार गाइस, अभी रुक चुका था भाई, एक बस स्टॉप है, मतलब छोटा सा बस स्टॉप है, और मैं पंजाब में फाइनली एंटर कर चुका हूँ भाई। और धन्नो के इधर साइड में खड़ा कर दिया, क्यों, क्योंकि बारिश हो रही थी भाई, इसलिए ना मैंने इधर धन्नो को खड़ा कर दिया। और एकदम मतलब तो एकदम इंजॉय कर रहा हूँ भाई, एकदम चिल कर रहा हूँ। और ये देखो ना, पूरा रास्ता एकदम सुनसान, क्या बढ़िया रास्ता दिख रहा है यार, एकदम मज़ा कर रहा हूँ। तो फिलहाल गाइस अभी मैं चलूँगा ना जो अमृतसर की ओर, और अमृतसर यहाँ से काफ़ी दूर है, बट क्या, कोई बात नहीं यार, अमृतसर से मैं बाघा बॉर्डर, बाघा बॉर्डर से जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर लेह लद्दाख करके ना फिर चलना है अपने यूपी की तरफ। हालांकि यूपी नहीं, अभी काफ़ी स्टेट कवर करना है। बने रहे ब्लॉग में, बारिश निकलने के बाद चल रहा हूँ आगे। ओके तो यार गाइस, जस्ट ना अभी मैं आ चुका हूँ एक गुरुद्वारे के पास, और क्या ही बताऊँ यार, आज सुबह से ही बारिश हो रही है, तो कुछ ज़्यादा ही बारिश हो रही है, इस रीज़न से आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, और फीवर आने के कारण थोड़ा सा, और क्या, भीग जाएंगे तो ज़्यादा बुखार आ जाएगा। तो जस्ट ये हाईवे के जस्ट साइड में एक गुरुद्वारा है, और मैंने धन्नो को साइड में वहाँ पे खड़ा कर दिया। तो अभी ना यहाँ पे लंगर चल रहा है, तो लंगर करेंगे खाना वाना खाने के बाद ना, अगर बारिश निकलती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं पे आज रुकेंगे। तो देखते हैं, अभी फ़िलहाल बारिश निकल जाए तो बढ़िया है। तो अभी कुछ ये नज़ारा, इधर से मैं आया हूँ, और मतलब बारिश क्या ही बताऊँ, हालाँकि फ़ीवर भी था और अभी ना थोड़ा सा ठीक है, बट कोई बात नहीं। ये इधर मैंने अपने धन्नो को साइड में खड़ा कर दिया, ये देखिए इधर, ये देखो खड़ा है, और मैं भी इधर आ चुका हूँ। तो ठीक है गाइस, अभी ना मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, तो कुछ टाइम बाद मिलते हैं, देखते हैं आगे जाना है या नहीं जाना। फिलहाल गाइस अभी आ चुका हूँ गुरुद्वारे पे, और गुरुद्वारे पे देखिए अभी आ चुका हूँ, यहाँ पे लंगर की व्यवस्था, और फाइनली यार काफ़ी दिनों बाद चावल खाने के लिए मिल रहा है। और ये देखिए इधर जी पाजी हैं, और थोड़ा बात करते हैं, इस गुरुद्वारे का नाम क्या है, कौन सी जगह पर है, क्या नाम है आपका? ये गुरुद्वारा गंगानगर बाईपास के ऊपर है, यदि ना संत बाबा जगतार सिंह का दे रहा है कार सेवा। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, नाम क्या है आपका? कावल सिंह। कावल सिंह, कावल सिंह पेंट सरियाली। ओके ओके, आप सेवा का काम करते हैं यहाँ? सेवा करते हैं, लंगर बताते हैं और गाड़ी चलाते हैं बाबा जी का। अच्छा, तो ये देखो भाई अभी कुछ जस्ट, ये देखिए चावल है और साथ में दाल है भाई, मतलब आज क्या ही बताऊँ, मतलब मस्त खाना मिल रहा है, बहुत दिन बाद चावल मिल रहा है, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ठीक है गाइस, बने रहे ब्लॉग में, अभी लंगर ख़त्म करते हैं, फिर चलते हैं आगे। ओके फिलहाल दोस्तों, अभी देखो यार यहाँ पर पूरा एकदम कपड़ा, बैग वगैरह सारा कुछ लेके आया हूँ, और ये देखो मतलब आज से फिर से एकदम पूरे कपड़े को और पूरे बैग को, अपनी साइकिल को, मतलब धनों को एकदम कंप्लीट हालत में धुल कर और
में रख देना है ताकि सूख जाए और कल अपनी राइड को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो आज सारा दिन ना रेस्ट है और यहाँ पे लंगर तो हो चुका है। लंगर होने के बाद अभी मैं अपने पूरे कपड़े वॉश कर लेता हूँ और उसके बाद क्या ही बताऊँ, मतलब आज एकदम मस्त है और मौसम थोड़ा सा बारिश का था बट क्या बढ़िया है, बारिश हुई अच्छा हुआ। मैंने कपड़े उपड़े धुलने का पूरा प्लान बना लिया और अभी कपड़े धुल के ना उसके बाद शाम तक एकदम मस्त करेंगे चिल। ओके तो भाई फिलहाल बने रहे ब्लॉग में, आगे जो भी कुछ होता है वो सारी अपडेट देने वाला हूँ, तो ठीक है। तो फिलहाल गाइज ना नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ और पूरे कपड़े बैग साइकिल मतलब धनों सबको एकदम फ्रेश कर दिया हूँ एकदम बढ़िया से और फीवर एकदम बढ़िया से ख़त्म हो गया, मतलब फीवर है ही नहीं, एकदम बढ़िया हो गया हूँ। और देखो ना चारों तरफ से नज़ारा, जहाँ पे मैं गुरुद्वारे में रुका हुआ था ये इधर देखो साइड में, ये गुरुद्वारा का सामने का जो नज़ारा है ऐसा कुछ सामने से गुरुद्वारा दिखेगा, मतलब रोड के बाहर से कुछ दूसरा दिखेगा बट इधर ना ये लंगर की व्यवस्था, आप इधर देखेंगे तो लंगर की व्यवस्था इधर पे चाय या लंगर मतलब खाने हमेशा उपलब्ध होंगे 24 घंटे। और जस्ट ये वाली बिल्डिंग जिस पे मैं हूँ इस वाली बिल्डिंग के अंदर मैं हूँ। और आज का जो ब्लॉग था ना एकदम बढ़िया था, मतलब आज यहीं पे रुका और क्या था ना यार फ्रेश भी हो गया और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। सुबह पार बारिश हो रही थी इस रीज़न से निकला भी नहीं, अच्छा हुआ कि बारिश हुई जिससे कि मैं अपने कपड़े और सारा कुछ धो लिया तो एक बार फिर से एकदम फ्री हो गया। मतलब अभी ये नहीं कि डेली कपड़े धोना है या बैग के लिए थोड़ा चिंता है कि बैग भी गंदा हो गया, तो ये सारा कुछ मैंने कंप्लीट कर लिया है और मस्त हो चुका है। और साइड में देखो ना यार इधर इधर साइड में देखो कुछ फूल लगे हैं, क्या ही प्यारा एकदम बढ़िया सा। अभी ना तो अभी तो लंगर चलेगा और खाएंगे वो सारा कुछ दिखाएंगे, तो बने रहें ब्लॉग में। और एक चीज़ भाई, अपने भाई को सपोर्ट करें, हो सके तो दो चार लोगों में वीडियो को शेयर करें। और मैं इंस्टा पे भी हूँ तो इंस्टा पे एक्टिव जितेंद्र व्लॉग ही है, जाके वहाँ पे फॉलो कर लें और भाई को सपोर्ट करें। तो ठीक है गाइस ब्लॉग में बने रहें। जो भी है नाइट और जस्ट मैं जैसे कि मैं गुरुद्वारे में रुका था और बारिश के कारण आज कहीं पर जाना नहीं हुआ, कपड़े वगैरह एकदम धो के एकदम फ्रेश हो चुका हूँ, उधर के पास आ चुका हूँ तो लंगर में देखिए जस्ट क्या है, मतलब लंगर बोले तो खाने में क्या है और गुरुद्वारे की तरफ से यहाँ पे सब्ज़ी है और साथ में रोटी है और उसके साथ में छाछ भी मिलती है। तो जस्ट यहाँ पूरा देखो चारों तरफ से लंगर भी काफ़ी बढ़िया है और यहाँ पे ना तकरीबन 200-250-300 लोग डेली खाना खाते हैं, मतलब लंगर खाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी पैसा नहीं। और जस्ट मैं वहाँ पे रुका था, आज रहने के लिए पूरी व्यवस्था, नहाने धोने की रुकने की पूरी व्यवस्था मिली है एकदम बढ़िया, मतलब क्या ही बताऊँ मैं गुरुद्वारे में कितनी बढ़िया सुविधा मिलती है वो सारे कुछ जितने भी यात्री हैं ना वो सारे जानते हैं। और काफ़ी लोग यहाँ मजदूर हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खाते हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर रुका था। तो गाइज आज का जो ब्लॉग था ना कुछ यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।